हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त प्रदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नोट यक्षु में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। आज दिन में तो व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो इस टाइम बजे हुए हैं शाम के 6:30 और मैं हूँ हमेशा की तरह अपने घर की छत पर, क्योंकि शाम के टाइम मैं छत पर थोड़ा घूमने के लिए आ जाता हूँ, अच्छी फ्रेश हवा मिल जाती है। तो और कुछ मैंने पौधे लगा रखे हैं गमले में, उनकी भी देखभाल हो जाती है, तो इसलिए मैं अपनी छत पर अभी आया था। मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, उनकी थोड़ी सी मुझे निराई गुड़ाई करनी थी, और एक टब में मैंने दो खीरे के पौधे लगाए थे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो खीरे के पौधे, अभी उनकी ग्रोथ कैसी हो रखी है अभी इस टाइम पे। दोस्तों, ये हैं मेरे खीरे के पौधे, मैंने दो पौधे लगाए थे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें नीचे फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। तो अभी देखते हैं, मैं लगातार 3 साल से खीरे के पौधे लगा रहा हूँ छत पे। पहले मैं लेट लगाता था तो वो सूख जाते थे, 1-2 दिन पानी ना दूँ, तो अभी मैं डेली पानी दे रहा हूँ इनमें, अभी इनकी ग्रोथ सही है। देखते हैं इनमें अब की बारी खीरे आते हैं या नहीं। और ये देखिए, मैंने एक छोटा सा जुगाड़ किया है ताकि ये बेल इसके लकड़ियों के ऊपर चढ़ जाए। अब ये बेल इनके ऊपर चढ़ेगी तो फिर अगर खीरे इसमें आते हैं तो वो नीचे लटक जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ अभी क्या मैं कर रहा था यहाँ पर। ये देखिए, मैंने इसमें गुड़ाई किया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो, पानी ऊपर की सूखी मिट्टी हट जाए और इसमें जो एयर की वो है वो सर्कुलेशन सही रहे। ये देखो, यहाँ पे 2 गुलाब के छोटे छोटे फूल लगे हुए, एक तीसरी बड निकली हुई है, अभी मैं इसकी गुड़ाई करने वाला हूँ। देखिए, ऐसे मैं एक छोटा सा, मेरे पास ये औजार है, टूटी हुई दराती थी तो फिर मैं इसी से इसलिए कर देता हूँ इनकी निराई गुड़ाई। तो दोस्तों देखिए, मैंने सभी पौधों की निराई गुड़ाई कर दी है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ मैंने अपनी छत पर क्या क्या लगाया हुआ है। इधर मेरे नींबू के पौधे में भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, और ये मैंने यहाँ पर पुदीना उगाया हुआ है छत पे, ये सूख जाता है तो इसमें डेली पानी की जरूरत पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, मेरे होम मेड डम्बल, ये मैंने लोहे की पाइप और सीमेंट से बनाए थे, हालांकि मेरे पास दूसरे भी हैं जो मैं बाजार से खरीद कर लाया था, लेकिन ये कुछ हल्के मैंने बनाए थे अपने घर पे जब मेरे पास वो नहीं थे। अभी मैं इनका यूज़ बहुत कम करता हूँ, अक्षु इनके साथ खेल लेता है कभी कभार जब वो छत पर मेरे साथ आता है। तो ये देखिए गाइस, अक्षु भी छत पर आ चुका है, ये हाथ में क्या ले रहा है? लीटर। बीकर? लीटर लीटर थोड़ी होता है, बीकर होता है, और ये तो वो होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको अक्षु टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, साइंस एक्सपेरिमेंट करने का। मजे क्या बना रहे हो ये आप? ये देखिए दोस्तों, इसकी हरकतें, इसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। ये अभी फैन हो रहा है क्रेजी एक्स वाई जेड का, तो जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये भी उसको देख देख के अपनी कुछ ना कुछ लगा रहता है करने में, क्रेजी एक्स वाई जेड की तरह एक्सपेरिमेंट करने में। क्या कर रहे हो अक्षु वहां पे आप, क्या करोगे इसका भैया, आप इसका क्या करोगे? क्या है ये? ये इसके ऊपर जब ये बेल चढ़ेगी ना, खीरे की बेल चढ़ेगी इसके ऊपर, फिर इसमें खीरे आएंगे बहुत सारे, फिर हम तोड़ के ले जाया करेंगे, बहुत मजा आएगा ना। हाँ, इस पे, हाँ इस लकड़ी पे टूट जाएगी, पिछड़ जा। ओए, अभी गंदा पानी पीने लगा अक्षु तू। गाइस, 8 बज चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा मूड खराब था, इसलिए दिन में भी मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो अभी पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी आज फिर कोर्ट ने, आपको अगर पता हो तो मेल कॉन्स्टेबल का कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो फिर उसके रिजल्ट फार्मूला को लेकर, पहले 21 मार्च डेट थी, उसके बाद 19 अप्रैल आई, आज फिर आगे एक डेट दे दी गई है 11 मई की, तो पता नहीं कितनी लंबी भर्ती खींचेगी। तो इसलिए अभी मेरा ना तो पढ़ने का कुछ मन कर रहा है, तो अभी मैं ऐसे पढ़ने का मन नहीं करता या निराश परेशान होता हूँ, तो फिर मैं ये वाली बुक जो 12th फेल,
मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है ये पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ऊर्जा से भरी हुई और काफी अच्छी बुक है। जब भी मैं परेशान होता हूँ तो फिर मैं ये बुक पढ़ लेता। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एस्पिरेंट हैं तो और कभी कभी पढ़ने का मन ना करे या फिर हताश परेशान हो जाए तो ये बुक जरूर फॉलो करें, जिसको एक बार जरूर पढ़ें। और इसमें भी एक लिखी बात लिखी हुई है अंदर, और मैं भी बोलता हूँ कि आप जो इस बुक को पढ़ने से पहले होंगे वो इस बुक को पढ़ने के बाद नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।